थोड़ा सा मैं आपको बोल देता हूँ, हमारे हर संकल्प में निर्माण करने की शक्ति है। सरल भाषा है ये। क्या है हर संकल्प में? हमारे हर संकल्प से शक्ति जनरेट होती है, शक्ति पैदा होती है। और वो शक्ति पहले कहाँ जाती है? पहले ब्रेन में जाती है, देह में फैलती है, फिर बाहर फैलती है, वातावरण को बदलती है। बहुत बड़ा काम मनुष्य के जीवन में उसके संकल्पों का है। इसलिए क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे हैं, ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। गलत सोचने की आदत तो नहीं पड़ गई है? एक माँ बहुत दुखी एक संकल्प से, छोटे बच्चे दो स्कूल जाते हैं, एक चौथी क्लास में, एक तीसरी क्लास में है, वो क्यों दुखी है? कहीं मेरे बच्चों का कोई अपहरण न कर ले। सच्ची बात बता रहा हूँ, उन्हें मुझे फोन किया, कहीं मेरे बच्चों का अपहरण न कर ले। मैंने उसे पूछा, बहुत दुखी थी, कहा मैं तो दरवाजे पे खड़ी रहती हूँ, बच्चों का इंतजार करती रहती हूँ, अगर 5 मिनट लेट कर दिया आने में तो मेरा बस धरती खिसकने लगती है पैरों के नीचे, के आज तो लगता है गए, अपहरण हो गया। मैंने कहा किसने बताया तुम्हें? कि एक दिन अखबार में पढ़ा था। तो मैंने कहा तुम क्या काम करते हो? कि पति नौकरी करता है, मैं घर में रहती हूँ। मैंने कहा सेठ हो क्या? कि नहीं। अगर तुम्हारे बच्चों को उठा के घर से खिलाएंगे वो उठाने वाले, वो तो किसी ऐसे को उठाएंगे ना जिसके पास पैसे बहुत हों, पैसा मिले। फिर मैंने उसे ये बात जब सिखाई ना, बस उसका अच्छा समय था, खुद तुरंत ग्रहण कर ली कि ये बात ठीक है। मैंने कहा उसको, तुम रोज ये संकल्प कर रही हो तो तुम बच्चों के अपहरण का इंतजाम कर रही हो। कैसा है क्या? हाँ। मैंने कहा क्यों नहीं सोचती, मेरे बच्चों के साथ तो भगवान है, ये तो सदा सुरक्षित हैं। ये सोचने में कुछ पैसे खर्च होंगे तुम्हारे? आज से सोचूंगी। ठीक हो गई, सदा के लिए ठीक हो गई। संकल्प जिनको भी उल्टा सोचने की ज्यादा आदत पड़ गई हो, वो समझें, संभलें, हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है। उदाहरण बहुत है मेरे पास। एक माता आई, बाबा से मिल ली, कई साल पहले की बात है, चेहरा सूखा हुआ। मैंने कहा क्यों, बाबा से मिलन का सुख नहीं मिला? कहा नहीं मिला तो है। फिर चेहरा क्यों सूखा हुआ है? कहा हम 5 बहनें हैं, 3 को कैंसर हो गया है, 1 की मृत्यु हो गई, मुझे लगता है मुझे भी हो जाएगा। सच्ची सच्ची घटना है ये। मैंने कहा किसने बताया तुम्हें? डॉक्टर ने कहा है। नहीं, 3 को हो गया ना तो हम दोनों को भी होगा, पक्का विश्वास था उसको। फिर मैंने उसको समझाया, 7 साल से ज्ञान में, मैंने उसको समझाया तुम तो कैंसर का आह्वान कर रही हो। और डर उसके अंदर बहुत ज्यादा था। आखिर उसको समझा बुझा के मैंने, मुझे उस पर बड़ी दया आई, अच्छे घर की थी, मैंने समय दिया उसको 5-7 मिनट और उसको समझा बुझा के तैयार किया, कैंसर तुम्हें नहीं होगा, रिजेक्ट करो, नहीं होगा। तब वो उसके चेहरे पे थोड़ी चमक आई, कहा आप कहते हो ना नहीं होगा तो अब नहीं होगा। अब देखो कैसे कैसे विचार। तो ये सोचने की आदत। पसंद है बहनों को? पसंद है, बहनों में ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा सोचते हैं।
मेरे बच्चों को कुछ हो न जाए। क्यों हो जाएगा? ऐसे ही सोच रहे बैठे बैठे बच्चों को कुछ हो न जाए, नहीं होगा। सुंदर संकल्प करो, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, इनका भविष्य बहुत सुंदर। माताओं की ये समस्या रहती। अभी एक अमेरिका से युगल आए, भारत के थे, दो बच्चे, लड़की छोटी 5 साल की, बहुत खुश, उछल कूद कर रही, मेरे पास आए बार बार तो टोली लेने आ जाए। 5 मिनट में 5 टोली देनी पड़ी उसे, खा पी के फिर आ जाए, दूसरी दो, बिल्कुल कहा दूसरी दो। दूसरी बड़ी लड़की, वो माँ को चिंता, मुझे इसकी बहुत चिंता है, पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा। मैंने पूछा क्यों? कि नहीं बस ये बहुत चंचल सी है। तो मैंने कहा बच्चे तो चंचल होते ही हैं, तुम भी तो जब बच्ची थी चंचल थी, क्यों परेशान हो रही हो? तो इतनी चिंतित थी वो कि उसका योग ना लगे। तो क्या सोचेंगे बच्चों के लिए? मेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, ये सोचने में नुकसान है क्या? माँ के हर संकल्प का प्रभाव बच्चों पर आता है। अच्छा सोचो, मेरे घर में महान आत्माएं हैं, ये सब, ये बहुत भाग्यवान बच्चे आए हैं हमारे घर में, ये इनके आने से हमारा भी भाग्य जग गया है। सुंदर सुंदर विचार करो। पसंद है माताओं को? अब एक सुंदर विचार आपको करा देता हूँ, वो सभी कर लेना। मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा होगा, बोलो मुख से, मेरे साथ आज से सब कुछ। पेपर देने से पहले भी यही करना, मेरा पेपर आज बहुत अच्छा होगा। ये नहीं पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स ना आ जाए, हार्ड पेपर ना आ जाए, ये सब नहीं, बहुत अच्छा होगा। समझ रहे सभी? अपने बच्चों को भी सिखाना है, डर निकाल दो उनका, नहीं तो बच्चे एग्जाम से डरते बहुत हैं, जो याद होता है ना आधा भूल जाते हैं पेपर देखते ही। नर्वस नहीं होना है। तो आज से सब कुछ अच्छा होगा, तो क्या होगा? अच्छा ही होने लगेगा। आपको ये प्रयोग करके देखने हैं अपने जीवन में, हर जगह देखो, जहाँ लग रहा हो ना, देखो कैसे प्रयोग करेंगे। माताएं मेरी ओर देखो, कैसे प्रयोग करेंगे? कहीं लग रहा है आपको कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, संकल्प करो। अब 3 संकल्प करने हैं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है और मैं बहुत भाग्यवान हूँ। एक बार करने से ही वो जो बुरी घटना होने भी जा रही है ना, चेंज होनी प्रारंभ हो जाएगी। ये एक सूक्ष्म गति आप समझ लें, हम घटनाओं को बदल सकते हैं, हम में परिवर्तन की शक्ति है। बाबा याद दिलाते हैं, पीछे मुरली में भी याद दिलाया, तुम प्रकृति को तमोप्रधान से सतोप्रधान बना सकते हो, इतनी ताकत है तुम में, तो क्या क्या नहीं कर सकते। बाबा बात कर रहे थे ना, घृणा भाव नहीं, सुभाव हो, कभी नहीं कहना ये व्यक्ति बदलेगा नहीं, हम तो थक गए इसको समझा के, ये बदलने वाली नहीं है, फाइनल स्टैंप लगा देते हैं, अब नहीं बदलेगी, तो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा ना। महान आत्माओं ने कह दिया अब नहीं बदलने वाला है ये, तो स्टैंप लगा दी। बाबा समझा रहे थे नहीं, तुम ये नहीं कह सकते, तुम तो परिवर्तन करने वाले हो। बाबा ने कहा कभी ये बदलेंगे नहीं मेरे बच्चे, क्या कहा? कल पहले भी यही महान बने थे, फिर बनेंगे, कल पहले तुमने ही माया को जीता था, फिर जीतोगे।
कितनी सुंदर ये लैंग्वेज है बाबा की। सुप्रीम टीचर बनकर आया तो कितना अच्छा पढ़ाता है, तो ये संकल्प याद रहेगा ना, मेरे साथ सब कुछ क्योंकि और मैं, ये पक्का करना और इसके प्रयोग करके देखो जीवन में।